प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा पांचवी विषय गणित प्रकरण अपना है काल मापन भाग दो। बच्चों हम लोगों ने भाग वन में घड़ी में समय को देखना, समय को दर्शाना, सेकंड का परिचय, मध्यान्ह पूर्व, मध्यान्होत्तर, AM PM और 24 घंटों वाली समय मापन सारणी, उसका उपयोग रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, समुद्री जहाज आदि में किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। इस पार्ट में आज हम लोग मेजरमेंट टाइम का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे और उसके साथ कुछ शाब्दिक प्रश्नों को भी हल करेगी। एग्जाम्पल ऑफ टाइम मेजरमेंट है, इफ ये सवाल है बच्चों, देखिए, इफ अब्दुल स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कंप्यूटर एट 11 इन द मॉर्निंग एंड फिनिश्ड हिज वर्क 3:30 इन द आफ्टरनून, हाउ लॉन्ग डिड ही वर्क। बच्चों इसको हम दो मेथड से हल कर सकते हैं। एक हम घड़ी की सहायता से कि वो कंप्यूटर माने 11 बजे से शुरू किया है मॉर्निंग में और दोपहर के 3:30 बजे तक खत्म कर दिया है, तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 11 बजे मॉर्निंग में खत्म हुआ तो 12 नून आएगा, 12 नून आएगा, 1 घंटे हो गया। और इसके बाद 12 नून के बाद 3:30 आफ्टरनून में तो 3:30 और 1 कितना हो गया, 4 आवर एंड 30 मिनट हो गया। ये देखिए इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मेथड फर्स्ट क्या है कि फ्रॉम 11 इन द मॉर्निंग टू 12 नून, 11 बजे मॉर्निंग से 12 बजे तक दोपहर में वो 1 घंटा काम किया, इट इज 1 आवर। फ्रॉम 12 नून टू 3:30 इन द आफ्टरनून इट इज 3 आवर्स 30 मिनट्स, देयरफोर द टोटल टाइम इज 4 आवर 30 मिनट्स। टोटल टाइम इज क्या हो गया बच्चों, 4 आवर्स 30 मिनट हो गया। या हमने आपको 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से बताया था 3:30 अकॉर्डिंग टू द 24 आवर क्लॉक्स, 11 o'clock इन द मॉर्निंग इज 11 एंड 3:30 इन द आफ्टरनून इज कितना हो जाएगा, उसमें 12 जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा 15:30। ये देखिए मेथड टू, अकॉर्डिंग टू द 24 आवर्स क्लॉक, 11 o'clock इन द मॉर्निंग इज 11 एंड 3:30 इन द आफ्टरनून मीन्स 15:30। इधर 24 आवर्स में AM PM नहीं लिखाता है बच्चों, तो इसको हम कैसे करेंगे, अब 15:30 में से इधर 15:30 हो गया और उसमें से 11 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम यूनिट टेंस लिखते थे, यहाँ पर मिनट और हम घंटा लिखेंगे। देखिए आवर HR से आवर होता है और MIN से मिनट होता है, घंटा और मिनट, तो कितने घंटे कितने मिनट, 15 घंटे 30 मिनट, 15 घंटे 15 आवर 30 मिनट्स माइनस कितना है 11 o'clock, 11:00। अब 30 मिनट में से 00 निकालेंगे तो 30 मिनट ही आएगा और 15 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 1 1 0 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4 4 आवर्स 30 मिनट्स। अब्दुल वर्क फॉर ए टोटल ऑफ 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स आर 4 1/2 आवर, आर 4 1/2 आवर है। देखिए अब्दुल कितना काम किया, 4 घंटे 30 मिनट काम किया, या 4 1/2 आवर भी इसको बोल सकते हैं, माने 4.5 घंटे, कितने घंटे 4.5 घंटे। तो बच्चों दोनों विधि से हम लगा सकते हैं।
ये विधि ज़्यादा सूटेबल है, मेथड टू। आप उसको 24 आवर्स की घड़ी में बदल लीजिए और माइनस कर दीजिए। एडिशन इसका हम कैसे देखते हैं बच्चों, एडिशन मिनट और घंटे का कैसे करेंगे हम? ऐड है 4 आवर्स 30 मिनट प्लस 2 आवर्स 45 मिनट्स। तो हम कहते हैं, चार्ट बना लेते हैं, मिनट और आवर्स लिख लेते हैं। आवर में 4 आवर लिखेंगे और मिनट में कितना लिखेंगे, 30 मिनट लिखेंगे। फिर आवर्स में 2 आवर्स लिखेंगे और 45 मिनट लिखेंगे। ये देखिए 4 आवर्स 30 मिनट्स प्लस 2 आवर्स 45 मिनट्स। अब बच्चों मिनट को मिनट में जोड़ेंगे और आवर्स को आवर्स में जोड़ेंगे, तो मिनट मिनट को जोड़ेंगे तो कितना मिनट हो जाएगा, 75 मिनट हो गया और 42 कितना हो गया, 6 आवर्स। अब बच्चों आप जानते हैं कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट का एक घंटा कर देंगे, 75 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे, 75 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 75 मिनट इक्वल टू 1 आवर 15 मिनट। एक घंटा, तो घंटे को घंटे में जोड़ देंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा और यहाँ बचेगा कितना, 15 मिनट बचा और 1 आवर को आवर में जोड़ देंगे, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 आवर, 7 आवर 15 मिनट हो जाएगा। 2 आवर्स 30 मिनट प्लस 2 आवर्स 45 मिनट इक्वल टू 7 आवर्स 15 मिनट, बराबर। एक दूसरा भी एडिशन देखते हैं हम, 2 आवर्स 30 मिनट्स प्लस 4 आवर्स 55 मिनट्स। तो ये चार्ट बना लेते हैं हम, मिनट और आवर्स इसमें लिखते हैं हम। 2 आवर्स 30 मिनट, अब देखिए 2 आवर्स 30 मिनट, ये हो गया 2 आवर्स, इधर हो गया 30 मिनट्स। फिर है प्लस 4 आवर्स 55 मिनट्स। अब हम ऐड करते हैं, ये 0 और 5 को हो जाएगा 5 और 53 क्या हो जाएगा 8 और 42 क्या हो जाएगा 6। अब 85 मिनट है, आप जानते हैं 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो 85 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 85 मिनट इक्वल टू 1 आवर 25 मिनट। 85 मिनट इक्वल टू 1 आवर 25 मिनट, यहाँ हो जाएगा 25 मिनट और 6 में 1 आवर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7 आवर 25 मिनट्स। 2 आवर्स 30 मिनट्स प्लस 4 आवर्स 55 मिनट्स इक्वल टू 6 आवर्स 25 मिनट्स। बच्चों मिनट जब 60 मिनट या 60 मिनट के एवब होगा तो उसको हम क्या करेंगे, 59 मिनट तक आता है तो मिनट में ही मिनट लिखेंगे, जब 60 मिनट आएगा तब उसको हम आवर में चेंज करते हैं और बाकी 60 मिनट का 1 आवर होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। एडिशन और देखते हैं, 3 आवर्स 50 मिनट प्लस 4 आवर्स 20 मिनट। चार्ट बना लेते हैं हम, मिनट और आवर्स लिखते हैं, मिनट और आवर्स। 3 आवर्स 50 मिनट प्लस 4 आवर्स 20 मिनट्स। अब मिनट्स मिनट्स को जोड़ेंगे बच्चों, आवर आवर्स में जोड़ देंगे, 50 और 20 कितना जोड़ेंगे, 70। 3 और 4 क्या हो गया, 7। अब 70 मिनट इक्वल टू 1 आवर 10 मिनट्स हो जाएगा। ये देखिए 70 मिनट इक्वल टू 1 आवर और 10 मिनट। आवर को आवर्स में जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10 मिनट और 7 और 1 क्या हो जाएगा, 8। तो 3 आवर्स 50 मिनट प्लस 4 आवर्स 20 मिनट इक्वल टू 8 आवर्स 10 मिनट, 8 आवर्स 10 मिनट, 8 आवर्स 10 मिनट। 3 आवर्स 45 मिनट्स प्लस 1 आवर्स 35 मिनट्स, इसको भी करके देखते हैं। इधर मिनट लिखते हैं, इधर आवर्स लिखते हैं, आवर्स में 3 आवर्स, मिनट में 45 मिनट, फिर 1 आवर्स प्लस 1 आवर्स 35 मिनट्स, 45
और 35 जोड़ेंगे, 5 5 10, 4 3 7 1 8, 80 मिनट, 3 1 क्या हो जाएगा 4, 80 मिनट इक्वल टू 1 आवर 20 मिनट, 80 मिनट इक्वल टू 1 आवर 20 मिनट, तो ये हो जाएगा 20 मिनट और 4 1 क्या हो जाएगा 5, 5 आवर्स 20 मिनट्स, तो 3 आवर्स 45 मिनट्स प्लस 1 आवर 35 मिनट्स इक्वल टू 5 आवर्स 20 मिनट, बराबर। इस प्रकार से बच्चों आप आवर्स और मिनट्स का सवाल लिख करके उसका अभ्यास कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम से 45 में दिया भी है, हमने वही सवाल लिख करके हल किया है, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और लिख करके उसको हल कर सकते हैं। चलिए और लेते हैं, 4 आवर्स 15 मिनट्स प्लस 2 आवर्स 50 मिनट मिनट आवर्स, 4 आवर्स 15 मिनट प्लस 2 आवर्स 50 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पर 65 हो गया, 65 और 4 2 क्या हो गया 6, 65 मिनट इक्वल टू 1 आवर 5 मिनट्स हो जाएगा, 1 आवर 5 मिनट, ये 5 मिनट हो गया, 4 2 6 है, 6 में 1 क्या हो गया 7, 7 आवर 5 मिनट हो जाएगा, 7 आवर 5 मिनट, 5 आवर 30 मिनट्स प्लस 3 आवर 55 मिनट्स मिनट आवर्स, आवर्स में 5 आवर्स है, 30 मिनट्स है प्लस 3 आवर्स है 55 मिनट्स है, तो 505 538 85 538 85 मिनट इक्वल टू 1 आवर 25 मिनट्स, 1 आवर 25 मिनट्स। कितना आवर हो गया बच्चों, ये 1 आवर आवर में जाएगा, ये 25 मिनट्स बचेगा, तो 25 मिनट्स हो गया और 81 क्या हो गया 9। 5 आवर 30 मिनट्स प्लस 3 आवर्स 55 मिनट्स इक्वल टू 9 आवर्स 25 मिनट्स, 9 आवर्स 25 मिनट्स। अब चलिए बच्चों सबट्रैक्शन देखते हैं। सबट्रैक्शन भी अब ऐसे करते हैं, जहाँ प्लस वहाँ पर माइनस हो जाएगा, 5 आवर्स 30 मिनट माइनस 2 आवर्स 45 मिनट्स, 5 आवर 30 मिनट्स माइनस 2 आवर 45 मिनट्स। चार्ट बना लेते हैं, एक में मिनट लिखते हैं, एक में आवर्स लिखते हैं, बराबर। अब आवर में आवर लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 5 आवर और 30 मिनट माइनस 2 आवर 45 मिनट्स। अब देखिए बच्चों, जैसे उधार वाला घटाना आपने पढ़ा है, तो बारो सब्ट्रैक्शन बाई बारो यहां भी वही होगा। अब यहां पर आप जानते हैं मिनट और घंटे और मिनट का घटाना है, अब तक हम मिनट में 60 से ज्यादा आ जाता था तो उसको हम घंटे और मिनट में बदली करते थे, लेकिन यहां पर 30 मिनट है और ये 45 मिनट है, तो 30 में से 45 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 45 मिनट्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, ये देखिए 45 मिनट्स है, कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 मिनट्स, देयरफॉर वी बारो, वी बारो कितना होता, 1 आवर बारो करोगे, इधर आवर है, ये 5 आवर है बच्चों, 5 क्या है आवर है, तो 1 आवर बारो करेंगे और 1 आवर इक्वल टू होता 60 मिनट्स, जब हम मिनट आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 और प्लस 30 पहले से है, क्या हो जाएगा 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, अब 90 में से 45 निकालेंगे एंड कन्वर्ट इनटू 60 मिनट्स फॉर द सब्ट्रैक्शन, फॉर द सब्ट्रैक्शन, तो 60 प्लस 30, अब ये हो गया 90, 90 में से 45 गए 45,
अब यहाँ बचा कितना बच्चों, 5 के प्लेस पर कितना बचा, 4, 4 में से 2 निकाल देंगे कितना बचेगा 2, 5 आवर्स 30 मिनट माइनस 2 आवर्स 45 मिनट इक्वल टू 2 आवर 45 मिनट्स। बच्चों यहाँ देखिए ए 45 मिनट्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 मिनट्स, देयरफॉर वी बारो 1 आवर एंड कन्वर्ट 1 आवर इंटू मिनट, तो 1 आवर इजकल टू 60 मिनट। 60 प्लस पहले से कितना मिनट है, 30 मिनट है, 60 प्लस 30 क्या हो गया 90, 90 में से 45 निकालेंगे तो 45 बचेगा। और यहाँ 5 आवर्स था, 1 आवर बारू चला गया है तो 4 आवर बचेगा, 4 में से 2 गए 2 आएगा, 2 आवर्स 45 मिनट्स। चलिए इसे एक और देखते हैं बच्चों, 3 आवर्स 10 मिनट माइनस 2 आवर्स 40 मिनट। चलिए चार्ट बनाते हैं, मिनट आवर लिखते हैं, आवर में 3 आवर लिखेंगे, 10 मिनट लिखेंगे, माइनस 2 आवर 40 मिनट। अब यहां पर देखिए बच्चों, अब ये 10 मिनट में से 40 मिनट घटेगा, नहीं घटेगा, 40 मिनट्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 मिनट्स, देयरफॉर आप क्या करेंगे, बारो करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 3 के स्थान पर 2 ही आ जाएगा और इधर हो जाएगा कितना, 60 प्लस 10 60 प्लस क्या हो जाएगा 10, 40 मिनट्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 मिनट्स, देयरफॉर वी बारो 1 आवर एंड कन्वर्ट इट इनटू 60 मिनट्स फॉर द सब्ट्रैक्शन। 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा 70 और 70 में से 40 निकलेगा कितना बचेगा 30। अब यहां पर 3 था, हो गया कितना 2 और 2 में से 2 गए कितना हो गया 0, तो 0 आवर्स 30 मिनट, 0 आवर्स 30 मिनट। इस प्रकार से सब्ट्रैक्शन में भी आवर मिनट्स लेकर के आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर देखिए 10 मिनट है, यहाँ पर 40 मिनट है, 10 मिनट में से 40 मिनट नहीं घटेगा तो 1 घंटा इधर से क्या करेंगे आप उधार लाएंगे और इधर 1 घंटा को लाएंगे तो मिनट में बदली कर लेंगे, तो 1 घंटे बराबर होता है 60 मिनट और पहले जितना मिनट दिया उसको जोड़ लो, 60 धन कितना हो गया 10, 70, 70 में से 40 को घटा दो बचेगा कितना 30, यहाँ बचा 2 और 2 में से 2 गए 0, इसको हम मिटा देते हैं बराबर। दूसरा भी सब्ट्रैक्शन देखते हैं, 5 आवर 20 मिनट माइनस 2 आवर 35 मिनट। चलिए चार्ट बनाते हैं, आवर और मिनट लिख लेते हैं, 5 आवर 20 मिनट्स, आवर में 5, मिनट में 20, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, 2 आवर्स 35 मिनट्स। अब यहाँ 35 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20 मिनट्स, तो 1 आवर क्या करेंगे, बारो करेंगे आप, 60 प्लस 20 होगा 80 होगा, 80 में से 35 निकालेंगे और यहाँ 5 है, 5 के प्लेस पर 4 हो जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 35 मिनट्स कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20 मिनट्स, देयरफॉर वी बारो 1 आवर एंड कन्वर्ट इट इनटू 60 मिनट्स फॉर द सब्ट्रैक्शन, 60 प्लस 20 इजकल टू 80, 80 में से 35 निकाल देंगे तो बचेगा कितना 45, यहाँ 5 के प्लेस पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 में से 2 गए 2 आवर्स 45 मिनट्स, 5 आवर्स 20 मिनट माइनस 2 आवर 35 मिनट्स इक्वल टू 2 आवर्स 45 मिनट्स, 2 आवर्स 45 मिनट्स।
चलिए बच्चों, कुछ शाब्दिक प्रश्नों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अमृता ट्रेवल्ड बाई बस फॉर 3 hours 40 minutes एंड बाई मोटरसाइकिल फॉर 1 hour 45 minutes। हाउ लॉन्ग डिड सी स्पेंड ट्रेवलिंग? बच्चों, अमृता जो है कहीं जाना है तो उसने बस से 3 घंटे 40 मिनट का सफर किया। बस में बैठ करके 3 घंटे 40 मिनट का सफर किया और मोटरसाइकिल से 1 घंटे 45 मिनट का सफर किया। तो हाउ लॉन्ग डिड सी स्पेंड ट्रेवलिंग? कितना समय उन्होंने बिताया ट्रेवलिंग में? तो टोटल जोड़ना पड़ेगा। टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे हमने आपको एडिशन बताया है, 3 hours 40 minutes प्लस 1 hour 45 minutes, 3 hours 40 minutes प्लस 1 hour 45 minutes। तो हमने क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं? हम चार्ट बना लेते हैं और एक में क्या लिखते हैं, आवर, और एक में दूसरे में लिखते हैं मिनट, मिनट और आवर। अब आवर्स में आवर्स लिखो, मिनट में मिनट लिखो। तो 3 hours 40 minutes, आवर में लिख दिया 3 hours 40 minutes, और दूसरे में प्लस हमने कहा करना है 1 hour और 45 minutes। अब 3 hours 40 minutes किससे? ट्रेवल बाई बस, ट्रेवल टाइम बाई बस 3 hours 40 minutes, 3 घंटे 40 मिनट उन्होंने बस से यात्रा किया है। 3 घंटा 40 मिनट किससे यात्रा किया है? बस से यात्रा किया है। और 1 hour 45 minutes ट्रेवल्ड बाई, ट्रेवल टाइम बाई मोटरसाइकिल, ट्रेवल टाइम बाई मोटरसाइकिल। अब आप क्या करो बच्चों, जैसे एडिशन आपने सीखा है वैसे कर लो। 40 और 45, ये क्या हो जाएगा? 85। और 31 क्या हो जाएगा? 4। अब यहाँ पर 85 मिनट है, 60 मिनट में क्या हो जाएगा? 1 hour हो जाएगा। 60 मिनट में क्या हो जाएगा बच्चों? 1 hour हो जाएगा। तो 85 मिनट को हम आवर और मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। 85 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 25। 85 को कैसे लिख सकते हैं? 60 प्लस 25। इस प्रकार से देखिए, ये टोटल ट्रेवल टाइम है 4 hours 85 minutes, बट 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 85 को वी कैन रिटर्न 60 प्लस 25, 60 प्लस 25 मिनट्स आर 85 मिनट्स। बराबर, दैट इज, ये 60 मिनट को क्या बोलते हैं? 1 hour बोलते हैं। 60 मिनट को क्या बोलते हैं? 1 hour and 25 मिनट, दैट इज 1 hour and 25 मिनट्स। टोटल ट्रेवल टाइम लेट अस एट दिस 1 hour टू किस में? 4 hour में। 1 hour किस में ऐड कर देंगे? 4 hour में कर देंगे। और कितना बचा? 1 hour 25 minutes है, 1 hour 25 minute है। तो 25 मिनट को मिनट में रख देंगे और 1 hour को 4 hour में जोड़ देंगे, तो 5 hour 25 minute हो गया। अमृता ट्रेवल्ड बाई बस फॉर 3 hours 40 minutes, 3 hours में 3 लिखा, मिनट में 40 लिखा। प्लस करना है मोटरसाइकिल से कितना चला? 1 hour 45 minutes, प्लस 1 hour 45 minute इधर लिख दिया, 1 hour 45 minutes। अब मिनट को मिनट में जोड़ा, आवर को आवर में जोड़ा, तो हुआ 85। और 85 को भी कह रहे थे 60 प्लस 25, 60 प्लस 25 मीन्स होता है 1 hour 25 minutes, 1 hour 25 minutes। टोटल ट्रेवल टाइम लेट अस ऐड द 1 hour टू 4 hour, तो 5 hour 25 minutes। हाउ लॉन्ग डिड सी स्पेंड ट्रेवलिंग? देयरफॉर अमृता ट्रेवल्ड फॉर ए टोटल ऑफ 5 hours 25 minutes,
5 hours 25 minutes. 5 घंटे 25 मिनट उन्होंने यात्रा किया, किससे किससे, बस और मोटरसाइकिल को मिला करके। बस और मोटरसाइकिल से अमृता ने क्या किया, 5 घंटे 25 मिनट का ट्रेवल किया। ऐसे सेम टू सेम एक दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों, ये देखिए, गीता ट्रेवल्ड बाय बस फॉर 4 hours 45 minutes एंड बाय मोटरसाइकिल फॉर 2 hours 35 minutes. हाउ लॉन्ग डिड सी स्पेंड ट्रेवलिंग? अब बच्चों आप क्या करेंगे, 4 आवर्स 45 मिनट्स को 2 आवर्स 35 मिनट में ऐड करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 4 आवर्स 45 मिनट्स प्लस 2 आवर्स 35 मिनट्स। एक चार्ट बना लेंगे, मिनट को मिनट में लिखेंगे, आवर को आवर में लिखेंगे, मिनट को मिनट में लिखेंगे और आवर को क्या लिखेंगे, आवर में लिखेंगे। ये देखिए चार्ट हम बनाते हैं, इधर लिखेंगे मिनट, इधर लिखेंगे आवर, तो 4 आवर्स 45 मिनट्स 4 आवर 45 मिनट। फिर है प्लस, प्लस करना है, हाउ पूछा है, हाउ लॉन्ग डिड शी स्पेंड ट्रेवलिंग, तो 2 आवर 35 मिनट्स। 4 घंटे 45 मिनट उन्होंने किससे यात्रा की है, ट्रेवल्ड बाय बस, ट्रेवल्ड बाय बस, और 2 घंटा 35 मिनट किससे यात्रा की है, ट्रेवल्ड बाय मोटरसाइकिल। अभी इसको आप ऐड करिए, 5 5 क्या हो जाएगा, 10, 5 5 10 और 4 3 7 1 8, 80 मिनट हो जाएगा, और इधर 4 2 क्या हो जाएगा, 6। अब 80 मिनट को कितना हो जाएगा, 1 hour 20 minutes हो जाएगा, तो 20 आप इधर रखेंगे बराबर, और 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7, 7 hours 20 minutes होगा। ये देखिए हम आपको करके बताते हैं, ये 80 मिनट हो गया, 80 मिनट, और ये 4 2 क्या हो गया, 6 मिनट। अब 80 मिनट को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, टोटल ट्रेवल टाइम हो गया 6 hours 80 minutes। अब 80 मिनट को 60 प्लस 20 के रूप में आप लिखेंगे, 60 प्लस 20 मिनट्स आर 80 मिनट्स, 60 और 20 80 मिनट हो गया है, तो 60 मिनट क्या हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, दैट इज 1 आवर एंड 20 मिनट, 1 आवर एंड 20 मिनट। अब मिनट को आप मिनट में रखेंगे तो हो जाएगा 20 मिनट, और 6 में 1 को आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 मिनट, तो टोटल ट्रेवल टाइम, लेट अस ऐड दिस 1 इज आवर टू 6 आवर, 1 आवर को इसमें जोड़ दिया है 60 को, 60 को आवर में कन्वर्ट कर दिया, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, तो 6 आवर प्लस 1 आवर क्या हो गया, 7 आवर, और ये हो गया कितना, 20 मिनट। तो देयरफॉर गीता ट्रेवल्ड फॉर ए टोटल ऑफ 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। कितना ट्रेवल किया सब उसने, कितना समय, 7 घंटे और 20 मिनट, 7 घंटे 20 मिनट पूरा ट्रेवल किया है गीता ने। तो बच्चों इस प्रकार से प्रॉब्लम सेट नंबर 45 में बहुत सारे शाब्दिक प्रश्न हैं, हमने आपको एडिशन भी सिखाया, सब्ट्रैक्शन भी सिखाया, शाब्दिक प्रश्नों को भी करके हम लोगों ने देखा। केवल पढ़ते समय आपको शाब्दिक प्रश्नों को इतना ध्यान देना है कि एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, अगर आपको एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है मालूम पड़ जाता है
तो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को अच्छी तरह से आपको समझाया है और आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें विश्वास है काल मापन पार्ट टू में हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा, कैसे बारो करके माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके बारे में भी हमने आपको सिखाया है। तो हमें आशा है कि जो प्रश्न है प्रॉब्लम सेट 45 में, आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।